नेर जमुनिया के पास सड़क हादसा, 16 वर्षीय नाबालिग की मौत। साढ़े 3 लाख रुपए नगद और स्कूटी लेकर भाग रहे थे लुटेरे, जो नारदेव में महिला के साथ दिन दहाड़े लूट। जिला पंचायत के सामने धरने पर बैठे ग्रामीण, एसडीएम ने दी समझाइश। और राजीव भवन में लगेगा करियर मेला, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ की पहल। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा माता मंदिर में दर्शन करने जा रहा पटेल परिवार गुरुवार को नेर जमुनिया के पास हादसे का शिकार हो गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक भरतादेव रोड चंदन गांव निवासी शान पटेल अपनी 16 वर्षीय बेटी वैष्णवी पटेल और पत्नी के साथ स्कूटी पर सवार होकर माता मंदिर दर्शन करने जा रहे थे। इसमें पीछे से आ रही एक बाइक ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी में बैठी 16 वर्षीय वैष्णवी सामने से आ रही मिनी बस के पहियों के नीचे आ गई। इस हादसे में वैष्णवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी से गिरने पर शान पटेल और उनकी पत्नी दोनों घायल हो गए हैं। डायल 108 की मदद से हादसे में घायल परिवार को जिला अस्पताल लाया गया। हम तत्काल सूचना मिलने पर रवाना हो गए, साथ में चौकी बल लिया गया, चौकी बल भी साथ में लेके गए। एक स्कूटी से थे परिवार और सामने से मिनी बस आ रही थी, तो पीछे से गाड़ी वाले ने टच कर दिया, तो अनबैलेंस होकर बच्ची रोड पे आ गई और फैमिली रोड के दूसरे तरफ चली गई, जिससे बच्ची की चपेट में आने से मौत हो गई। जुन्नार देव में दिनदहाड़े एक महिला के साथ लूट की वारदात हुई, लेकिन मौके पर पुलिस के पहुंचने से लुटेरे भाग खड़े हुए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कियोस्क सेंटर संचालक महिला जुन्नार देव डूंगरिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 3,60,000 रुपए नकदी निकालने गई थी, जहां से महिला ने कैश रकम लेकर अपनी स्कूटी की डिक्की में रख दिया। इस बीच सुनसान क्षेत्र में अज्ञात लुटेरों के द्वारा महिला के वाहन को टक्कर मारकर उसकी स्कूटी लेकर भागने का प्रयास किया गया। इस बीच महिला के हल्ला करने पर क्षेत्रीय लोगों और पुलिस ने स्कूटी लेकर भाग रहे लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे स्कूटी छोड़कर भाग गए। पुलिस ने स्कूटी और उसमें रखी नकद पैसे महिला को वापस कर दिए हैं, जबकि लुटेरों की फिलहाल तलाश जारी है। पांचूना जनपद के ग्राम इटावा और बोतिया के दर्जन भर ग्रामीण आईटीआई कार्यकर्ता के साथ गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर जिला पंचायत कार्यालय के सामने धरना दे दिया। ग्रामीणों का आरोप था कि उनके गांव में पंचायत दर्पण में जो नाली और रोड स्वीकृत है, उसके नाम पर लाखों रुपए निकाले गए हैं, जबकि अभी तक उक्त क्षेत्र में नाली और सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। वहीं अधिकारियों द्वारा इसका भौतिक सत्यापन भी किया जा चुका है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बोतिया में फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मजदूरी निकाली गई है। इस मामले की सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने के बाद शिकायत को एक तरफा बंद कर दिया गया है। जिला पंचायत कार्यालय के सामने धरना देने बैठे ग्रामीणों से एसडीएम अतुल सिंह मिलने पहुंचे, जिन्होंने उनकी शिकायत का जल्द निराकरण करने की बात कहते हुए धरना समाप्त करवाया। और हमारे गांव में जो धांधली हुई है, जिसमें पंचायत दर्पण ऐप उसमें नाली रोड स्वीकृत लिखी है लाखों रुपए की, मगर जगह में इंस्पेक्शन में जब अधिकारी आए थे तो नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है। उसके बाद में जो ग्राम पंचायत बोथिया के जो लोग हैं उनके खेत में नंदन फलोद्यान योजना का लाभ दिया गया है, उनकी राशि स्वीकृत जो हुई है वो 1,86,000 रुपये की है, 1,20,000 रुपये लगभग उन्होंने निकाल लिए हैं, मगर ये जो हितग्राही है उनके खेत में उन्होंने स्वयं के खर्चे से पेड़ लगाए हैं, स्वयं के खर्चे से उन्होंने मजदूरों को राशि आवंटित करी है, और जो राशि निकाली गई है जो सरपंच सचिव द्वारा जो इंडिकेट किया है अपने रजिस्टरों में, उसमें फर्जी जॉब कार्ड मजदूर है, उन्होंने फर्जी जॉब कार्ड वालों को दिया है, जबकि उनका कोई लेन देन नहीं है इनके खातों में। उसके बाद में खेत तालाब योजना गाँव में बनाई है, जैसे कि जो पोर्टल पे दिखा रहे कि इसके खेत में इतना तालाब बना हुआ है इतने रुपए का, मगर जगह पे जब जाते हैं तो 2 फीट का गड्ढा मिलता है और वहाँ कोई तालाब बनना नहीं है। संबंधित समस्याओं को लेके सभी ग्रामवासियों ने सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत दर्ज कराई है, मगर सीएम हेल्पलाइन में ये चीज़ होती है, लेवल 1 में भी वही जवाब आता है, लेवल 2 में भी सेम जवाब आता है, लेवल 3 लेवल 4 सेम जवाब आता है, आखिरी में शिकायत को बंद करती है। जनपद पंचायत पांडुरना के 2 ग्राम पंचायतों के करीब 20-25 लोग यहाँ आए थे कलेक्टर कार्यालय में। उनने पूर्व में कोई शिकायत प्रस्तुत की थी ग्राम पंचायत के विरुद्ध, जिसमें जो जांच हुई है उससे वो संतुष्ट नहीं है। उन्हें आज पुनः ज्ञापन दिया है और ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। आवश्यकता अनुसार विधि अनुसार जांच कराई जाकर जो भी अगर कोई त्रुटि पाई जाएगी तो विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराई। छिंदवाड़ा के युवाओं को करियर मार्गदर्शन के लिए पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने एक और प्रयास किया है। 14 मार्च को राजीव भवन में उन्होंने करियर मेले का आयोजन किया है, जिसमें 30 से ज्यादा विशेषज्ञ युवाओं को करियर के लिए गाइड करेंगे। करियर फर्स्ट के माध्यम से ये मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इंदौर, बेंगलुरु, नागपुर, भोपाल जैसे शहरों से विशेषज्ञ छिंदवाड़ा आएंगे। वर्तमान दौर में युवाओं के सामने करियर की चुनौती रहती है,
अधिकांश युवा ये नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें क्या चुनना है। ये विशेषज्ञ युवाओं को विषय के अनुसार कैरियर गाइड करेंगे ताकि युवा मार्गदर्शन मिलने के बाद अपना बेहतर भविष्य बना सकें। इस मेले में युवाओं को सही विषय का चयन, प्रदेश देश और विदेश में बेहतर शिक्षण संस्थानों कॉलेज की जानकारी, उनकी वेबसाइट की जानकारी, प्रिंटेड करियर ट्री प्रदान की जाएगी। नीरजमुनिया के सूखे कुएं में 4 दिन से लापता एक महिला का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक नीरजमुनिया निवासी सुखवती पति प्रेम ध्रुवे उम्र 59 साल 4 दिन से घर से लापता थी। महिला की गुमशुदगी की शिकायत उनके परिजनों के द्वारा कुंडीपुरा पुलिस को की गई थी, जिसमें परिजनों ने 2 युवकों पर हत्या करने का शक भी जाहिर किया था। गुरुवार को महिला का शव क्षेत्र के एक सूखे कुएं में दिखाई दिया। पुलिस ने पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि इस मामले में 2 युवकों को हिरासत में लिया गया है। हत्या की वजह अवैध संबंध बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। निदेशी एकेडमी छिंदवाड़ा के स्टूडेंट ने पहले ही साल में लहराया परचम। 5 स्टूडेंट भव्या पाठक, आशीष त्रिपाठी, प्रिया चौरसिया, नैन्सी जैन, विपुल जैन ने MPPSC मेंस में पाई सफलता। UPSC और MPPSC की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतर कोचिंग, तो आज ही ज्वाइन करें निधिश एकेडमी इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन, नियर प्रोफेसर कॉलोनी, मॉडल रोड, नियर ट्राइबल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं 32 लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं, दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स 32 डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली 32। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। स्थायी कनेक्शन से विद्युत का वैधानिक उपयोग करने पर बिजली विभाग ने बोलगांव की मेसर्स गुलशन पॉलियर्स कंपनी पर 6,53,550 रुपए का जुर्माना किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बोलगांव की मेसर्स गुलशन पॉलियर्स कंपनी द्वारा 11 KV के उच्च दाब कनेक्शन क्रमांक 232 को स्वीकृत परिसर से बाहर अपने उद्योग का विस्तार कर निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसमें स्थायी कनेक्शन से विद्युत का वैधानिक उपयोग किया जा रहा था। इस मामले में बिजली विभाग ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। वार्ड नंबर 10 खापाभार क्षेत्र के लोगों ने आज कलेक्टर पहुंचकर सही तरीके से सड़क बनाए जाने की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों का कहना है कि नगर पालिक निगम के द्वारा जो सड़क बनाई जा रही है वो निर्धारित मापदंड से अलग है, जिसके कारण कई घरों के शौचालय टूट रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। घाट एक्सा परिसर से जो रोड बनाई है, वहाँ पर जो गरीब लोगों की जो झोपड़ियाँ बनी हैं, उसमें जो शौचालय टूटा जा रहा है सर नाप में, उसमें थोड़ा सा रोड की नाप चौड़ाई कम किया जाए। इस आपत्ति को लेकर हम यहाँ आए हैं। रोक नहीं लगा रहे हैं, गरीब लोगों की शौचालय बचा जाए, रोड भी बना जाए। जिला अधिवक्ता संघ की नई कार्यकारिणी का चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ है। नए पदाधिकारियों को चुनने के लिए अधिवक्ता संघ की मतदाता सूची में 841 मतदाताओं के नाम थे, जिनके द्वारा अधिवक्ता संघ की निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया। जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ का चुनाव सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हुआ। शुक्रवार को मतगणना के बाद अधिवक्ता संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। मतदान अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष पद के 3 प्रत्याशी हैं, सत्येन कुमार वर्मा, राजकुमार मिश्रा और कमल किशोर तिवारी। उपाध्यक्ष पद के लिए 5 प्रत्याशी हैं, श्याम कुमार यादव, नीता राय, श्याम तिवारे, सलीम खान, कृष्ण कुमार तिवारी। सामान्य सचिव पद के लिए 4 प्रत्याशी हैं, देवेंद्र कुमार वर्मा, योगेंद्र पांडे, नीता मानी और श्री भूपेंद्र उपाध्याय। किस प्रक्रिया के तहत ये चुनाव की संपन्न कराया है? ये तो बता दूंगा, सह सचिव के लिए अलग अलग है, ये पद हो जाए। चौकसी कॉलोनी में क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा सुहागले का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं के द्वारा सुहागले माता की पूजन अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महिलाओं ने पति और पुत्र की लंबी उम्र के लिए निर्जल उपवास रखकर सुहागले माता की पूजा की।
साईं मंदिर नोनिया करबल में ब्रह्म उत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत गुरुवार को साईं मंदिर में सुबह काकड़ आरती का आयोजन किया गया, जिसके बाद साईं बाबा का अभिषेक होने के बाद विशाल भंडारे आयोजित हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर महाप्रसाद ग्रहण किया। साई मंदिर नोनिया करवल में ब्रह्मोत्सव के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज दूसरा दिन कार्यक्रम का, आज सुबह बाबा का अभिषेक, काकड़ आरती, दोपहर को हवन, 2 बजे से हवन का कार्यक्रम था, और आज संध्या 5 बजे से विशाल भंडारे का कार्यक्रम, और शाम 7 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के द्वारा गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई। छिंदवाड़ा लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।